G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भारत आ रहे विदेशी प्रतिनिधियों की मेहमान नवाजी को ध्यान में रखते हुए देश के लगभग सभी शहरों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जैसा कि बात करें आज हमारे हिंदुस्तान में सनातन की या फिर क्या कहते हैं यहाँ के भारतीय दर्शनों की, तो हमेशा से हमारे क्या कहते हैं समाज के लिए हमारे देश के लिए एक प्रेरणा बनते हुए आया है। और जैसे कि प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है, वैसा उन्होंने रामायण में भी कहा है कि हनुमान जी के साथ जैसा वो व्यवहार करते थे, उन्होंने कभी क्या कहते हैं उनको अपना सेवक नहीं माना, उन्होंने भरत के जैसा भाई दिखाया है। तो लक्ष्मण जी की जो साधना है प्रभु श्री राम के लिए वो बहुत ही क्या कहते हैं हमेशा के लिए क्या कहते हैं यादगार रहेगी। तो उस लम्हे को ये याद दिलाती है जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने उनके लिए जो त्याग किया था 14 वर्ष वनवास के में, वो हमें याद रहेगा। और यहाँ की जो साफ़ सफाई वो पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ चुकी है, तो ये भी क्या कहते हैं हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है और आने वाले क्या कहते हैं पर्यटकों को या फिर विदेशी यात्रियों को बहुत ही क्या कहते हैं रोमांचक होगा उनके लिए। बता दें आपको कि अभी तक मान लीजिए जैसे वैसे भी हमारा जो लखनऊ है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही स्पेशल है, और जैसे कि अब ये एक आस्था का केंद्र भी हो जाएगा। और जो ये लक्ष्मण जी की ये जो मूर्ति बनाई गई है और इसको जो है लक्ष्मण जी ने ही बसाया था लखनऊ को। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दिन नजदीक आ गए हैं। विदेशी मेहमानों को भारत की अच्छी झलक देखने को मिले, इसलिए नवाबों के शहर लखनऊ को सजाया जा रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां बहुत ही जोरों पर चल रही है। सर जी बहुत अच्छा लगेगा सर जी, क्योंकि यहाँ खूबसूरती बहुत अच्छा है सर जी। जैसे गार्डन देखो फूल लगा हुआ है सर जी, जैसे राम जी का ये मंदिर मतलब मूर्ति बना हुआ है लक्ष्मण जी का, बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर जी। बढ़िया बढ़िया लक्ष्मण जी का मूर्ति बढ़िया मूर्ति है, बढ़िया लग रहा है, मैं भी फोटो खींचा 2-3। अच्छा हाँ, और देखने में अच्छा लगता है। आपको बता दें कि भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने में अहम भूमिका मिल रही है।